सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिरन सर। आप देख रहे हैं ट्रिक रास्ट की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेमिंग पीसी अंडर 20,000। तो लिस्ट में हमारे पहले नंबर का जो पीसी आता है वो है हमारा डी कैम की तरफ से डी कैम पबजी गेमिंग पीसी। और इस पीसी में आपको देखने को मिल जाएगा 120 GB की SSD और इंटेल i5 फर्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर, 500 GB की HDD के साथ, 8 GB की DDR4 रैम, एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड, वाईफाई, विंडोज 10 और MS ऑफिस का ट्रायल वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको बाद में उसे ऑन करना होगा। तो इसमें आप GTA 5, फीफा, क्राई, फायर क्राई और वर्ड्स बैटल ग्राउंड, पबजी जैसे गेम बहुत ही आसानी से खेल पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा पीसी हो सकता है जिन लोगों को हल्की फुल्की गेमिंग और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ इसे बाय कर लो। तो जो हमारा नेक्स्ट पीसी आता है वो हमारा चिस्ट की तरफ से चिस्ट RGB लाइटनिंग पीसी, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कोर i5 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर, 1 TB की 7200 RPM वाली एक HDD, और इसमें आपको देखने मिल जाएगा इंटेल की HD ग्राफिक। इसमें आपको कोई अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें आप GTA 5 जैसे गेम तो नहीं, बट हाँ आप जो AAA टाइटल्स गेम्स हैं वो सब आप इसमें खेल पाएंगे। और इसमें आपको देखने को मिलता है वाईफाई और लैन का सपोर्ट। इस प्रोसेसर की टर्बो फ्रीक्वेंसी है 3.4 GHz और बेस फ्रीक्वेंसी है 3.2 GHz, और ये एक 2 कोर 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और इसमें जो मदरबोर्ड किया गया यूज़ वो है हमारा H55 का मदरबोर्ड। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट, एक PCI का पोर्ट और एक एक्सप्रेस का पोर्ट, और 16 स्लॉट देखने को आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसमें आपको 8 GB की डुअल चैनल वाली रैम देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी गेमिंग दौरान। तो अगर आप इस PC को भी बाय करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे जाके बाय कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारे थर्ड नंबर का PC आता है वो हमारा चिस की तरफ से ही इंटेल कोर i5 सेकेंड जनरेशन PC, और इसमें आपको देखने को मिलेगी 120 GB की SSD और इंटेल के HD ग्राफिक इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें थोड़ा सा लुक्स का अंतर है। और इसमें आपको देखने को मिल जाएगी 8 GB की रैम, बट ये एक सिंगल चैलेंज रैम है, मीन्स आपको इसमें बस एक ही स्टिक देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा PC हो सकता है जिन लोगों को सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए एक PC चाहिए था, जिन्हें बस MS Excel और पावर पॉइंट चलाना था। ये उतना टफ गेमिंग के लिए तो नहीं बना है, बस हाँ इसमें आप जैसे AAA टाइटल्स गेम बहुत ही लो सेटिंग्स पर आप इसमें ज़रूर खेल सकते हो। तो जो हमारा अगला PC है वो है हमारा एक फुल सेटअप PC, और इसमें आपको देखने में मिलता है एक स्क्रीन भी जो है 18.5 inches की एक VGA पैनल वाली स्क्रीन। और इस PC का नाम है स्टार असेंबल i5 फर्स्ट जनरेशन PC, 8 GB की सिंगल जालन रैम और 1 TB की HDD। विंडोज 10 के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाता है MS Office का ट्रायल वर्जन, जिसको आपको बाद में पैसा देकर अपडेट कराना होगा। और इस प्रोसेसर की जो स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने मिलते हैं 4 कोर और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर। इस प्रोसेसर की बेस स्पीड है 3.20 GHz और इसकी टर्बो मैक्स फ्रीक्वेंसी है 3.4 GHz। तो अगर आप PC को बाय करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाओ इसे बाय कर लो। चलिए हमारे नेक्स्ट PC की तरफ बढ़ते हैं, वो है हम सेंट्रा की तरफ से आने वाला सेंट्रा कंप्यूटर डेस्कटॉप PC, और इसमें आपको देखने को मिलेगा i5 सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB की DDR3 रैम, 120 GB की SSD, 1 TB की HDD के साथ आपको देखने को मिल जाएगा विंडोज 10 का सपोर्ट। के साथ साथ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इंटेल के 2000 इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, और इसमें आपको देखने को मिल जाता है MS Office का ट्रायल वर्जन, जिसको आपको बाद में पैसा देकर अनलॉक कराना होगा। और हाँ एक और बात, जिन लोगों को CD और DVD के रिलेटेड काम होते हैं तो एक उसके लिए उनके लिए एक मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी CD DVD ड्राइव आपको देखने को नहीं मिलती है बॉक्स में। अगर आप बाहर से चाहें तो इसे कहीं से लगवा सकते हैं। इसका जो CPU पावर कॉर्ड है वो भी बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी आप PC ऑर्डर करेंगे तो आपको उसके लिए अलग से एक PC पावर कॉर्ड मंगाना होगा। तो अगर आप इस PC को बाय करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाओ इसे बाय कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट PC की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट PC है वो एक फुल सेटअप PC है, जिसमें आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और एक CPU भी देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा
चिस की तरफ से आने वाला चिस पीसी इंटेल कोर i5 पीसी, और इसमें आपको देखने को मिलता है 4 GB की रैम, 120 GB की SSD और 1 TB की HDD। और इसमें आपको जो स्क्रीन देखने को मिलता है वो पिछले वाले से थोड़ी बड़ी स्क्रीन है, जो है 22 इंच की स्क्रीन, और ये एक HD स्क्रीन है, तो ये एक FHD स्क्रीन नहीं है। आपको इतने प्राइस के अंदर बस एक HD स्क्रीन ही देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड माउस, जो कि एक नॉर्मल लॉजिटेक का कीबोर्ड माउस है, ये कोई RGB वाला कीबोर्ड माउस नहीं है। तो इसे आप बाद में भी पैसा देकर नया ले सकते हैं। और जो इसकी दूसरा वेरिएंट आता है वो है हमारा 8 GB रैम के साथ, जिसका प्राइस है 22,500। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप 8 GB वाला ले लीजिए, बिकॉज उसमें आप थोड़े से बेटर गेम खेल पाएंगे इसके मुकाबले। आप प्रोसेसर जिसकी बेस स्पीड है 3.2 GHz और टर्बो स्पीड है 3.4 GHz। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये PC पसंद आता है तो इसे भी जाकर आप डिस्क्रिप्शन से बाई कर सकते हैं, चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको गेम रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हों, गेम प्ले जैसी, तो आप मेरा दूसरा चैनल ट्रेमेंडर गेमर्स जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।